Play responsibly. Team match. Let's go. फाइनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे चैलेंज किया कि भाई एम टू फोर तेरे साथ खेलना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आइए अब देखते हैं कौन विन होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसके हाथ बंदे के हाथ में मैंने जब गन नहीं देखा तो मुझे लगा कि बंदा नहीं खेलेगा। फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम। मैंने अपना गन रख लिया लेकिन फिलहाल के लिए फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये बंदा ऐसे ही गन रख के भाग रहा था। फिर मैं अपना गन ले कर इसके पीछे भागता हूँ और देखिए क्या होता है। ओह नाइस शॉट। ये बंदा ऑलरेडी मेरे को जब स्टार्टिंग में मैं M24 सीख रहा था तो उस टाइम इस बंदे ने मेरे को हमेशा इसने हराया मेरे को। ठीक है मैं इसे कभी जीत नहीं पाया हूँ लेकिन आज इसको देखते हैं क्योंकि आज का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है बीच में। तो देखते हैं कौन जीतता है। फाइनली यहाँ से इसने मेरे साथ 2 पॉइंट पा लिए थे तो मैंने इसे चुपके से 1 पॉइंट पा लिया और फाइनली मैं आगे बढ़ते हुए देखता हूँ कौन जीतता है। ओ भाई साहब इस बंदे की मूवमेंट जो है ना बहुत हेवी है तो इसकी मूवमेंट से थोड़ा मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है और ख़ुद को इससे थोड़ा बचाने की ज़रूरत है। फिर थोड़ा बंदे को कॉन्फिडेंस देख रहा था। बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है भाई ओपी यार। अगर जिस भी बंदे को मेरे साथ खेलना है वो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे वीडियो देखे कमेंट करें और मैं उसके साथ खेलने के तैयार हूँ। मैं उसके साथ हारूँ या जीतूँ मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी जीती हुई वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक फाइनली इस बंदे के मोमेंट को मैंने टक्कर दे दी है। मेरी भी मोमेंट कुछ अच्छी है इस वजह से मैंने शॉक दे दिया। बंदा ये कार 98 उठा के चला रहा था मैंने रिटर्न इसी का कार 98 उठा लिया। मुझे लगा कि कार 98 ये खेलेगा तो कार 98 ही खेलूँ क्योंकि मेरे कार 98 ऐड मैंने नहीं किया था। M24 की बात हुई थी हम दोनों के बीच में। फाइनली देखते हैं अब हम लोग के बीच में क्या होता है। मशीन फाइनली मेरा शॉट मिस हो जाता है लेकिन इस बंदे का शॉट एकदम हिट होता है। बंदा बहुत हैवी खेल रहा है देखते हैं अब क्या होता है। ओ भाई साहब फिर उस बंदे ने एक और शॉट मुझे दे दिया। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे फ़िलहाल इससे थोड़ा दूर भागना है। कभी भी आप M24 खेलो तो थोड़ी इसी बंदे से थोड़ी दूर बना एक मोमेंट खेलो। मैंने इसको एक बॉडी शॉट दे रखी है लेकिन फिर भी एक किल नहीं हुआ। और ये देखते हैं इस बंदे का देखिए मोमेंट एक बार और इस बच्चे ने बच गया मेरे से। ओ भाई साहब अगेन इसने हिट कर दिया। 3 और 6 की लीड है। अब पता नहीं मैं इसको कवर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। भाई कमेंट में ज़रूर बताना आपका भाई कैसा खेल रहा है अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। एक और हिट। ओ भाई साहब यार मैं इसको एक हिट दे रहा हूँ और ये बंदा मैं हिट दे रहा हूँ तो ये बंदा किल नहीं हो रहा और ये बंदा एक बार में क्या हो रहा है भाई क्राफ्ट। ओ भाई साहब देखो इससे पहले मैंने इसको डैमेज दिया उसके बाद इसने मेरे को डैमेज दिया। क्राफ्टन वालों क्या कर रहे हो। अब लग रहा है हमें ही अपनी जगह को सुधार करना पड़ेगा इसी वजह से तो मैंने फिर इसको इतना ज़्यादा डैमेज दिया। 3 बार इसे डैमेज दिया 4th बार 3 मैच में इसे बैक टू बैक डैमेज दिया था। इसका वेस्ट कमज़ोर कर दिया था फिर भी ये नहीं मरा। यहाँ पे भी इसने 2 शॉट खाया। अब मुझे अपना तरीका चेंज करके खेलना पड़ेगा। फाइनली ओपी शॉट इसको कहते हैं ओपी हेड शॉट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक मारो एंड चैनल को सब्सक्राइब मारो फटाफट जल्दी से कमॉन कमॉन ब्रो। हम देखते हैं भाई साहब कौन जीतता है। भाई 5 और 8 की लीड है। ये बंदा मेरे से 3 पॉइंट आ गया। अभी इसको एक और हेड शॉट पड़ी जिसको कहते हैं पट हेड शॉट। और यहाँ पे इस बंदे ने फिर से मुझे मेरी मूवमेंट थोड़ी गलती हो गई थी कोई नहीं फिर भी हम इसे हरा देंगे। फाइनली ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है। हम देखते हैं इसकी मूवमेंट। अगर जिस भाई को भी खेलना है भाई आ सकते हो ठीक आपका स्वागत है मेरे यहाँ। ठीक अगर मैं हारूँ तो आप मेरी भी वीडियो बना सकते हैं और मैं आपकी अपनी हारी हुई वीडियो भी अपलोड करूँगा। हाल ही मैंने 1 पॉइंट इसे फिर से चुरा लिया है। इस बंदे की मूवमेंट बहुत अच्छी लगी मेरे को। देखिए बंदा ऊपर जा रहा है मैंने इसे फायर दिया
बट यहाँ पे मैं इसको सोचता हूँ जंप शॉट में, तो ये बंदा उस टाइम बच जाता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बचता है और ये बंदा ज़्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। भाई मैंने बहुत मुश्किल से पॉइंट कवर किए हैं, अभी एक पॉइंट बचे हैं, फिर इसने एक पॉइंट जोड़ लिया। 8 और 10 की लीड चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊँगा, मुझे इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आती होगी, एक मेरी आती होगी, दूसरी बाइक की आती है वगैरह वगैरह किसी भी चीज़ की आती होगी, तो ब्रो मैं बता दूँ मेरा कोई, मैं मिडिल क्लास घर से हूँ, ठीक है, तो मेरा कोई अपना पबजी के खेलने के लिए रूम नहीं है, ठीक है, और ये जो एडिटिंग है सब मैं अपने फ़ोन से ही करता हूँ, कोई लैपटॉप वैपटॉप ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ना पीसी है, मैं अपने फ़ोन में ही खेलता हूँ, अपने फ़ोन में ही एडिटिंग वेडिटिंग जो भी करना होता है अपने फ़ोन में ही करता हूँ। तो ब्रो बस आप लोग थोड़ा सा पैकअप करके या थोड़ा सा आप वो समझ ले, थोड़ा सा मैनेज कर ले, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। फाइनली इस बंदे ने मेरे से 3 पॉइंट बहुत आगे चल गए, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जो हैंड होता है ना, हैंड में थोड़ा वो लग गया था, थोड़ा सा वाटर टाइप के जिसको कहते हैं पसीना, तो वो मेरे डिस्प्ले से निकल गया था, तो वहाँ पे मेरे थोड़े मोमेंट डिस्टर्ब हो गए, फिर मैंने उतने पर कंट्रोल कर लिया और फिर मैंने अपने एक हाथ से उसे हिट करके दूसरे हाथ से मैंने उसे बाईपास कर लिया। फाइनली देखते हैं इसको मैं हरा पाता हूँ या नहीं हरा पाता हूँ। बंदा बहुत हार्ड, एक पॉइंट और बच गई है इस बंदे को, मैंने बस एक पॉइंट से और आना है। जब इस बंदे को मैं पॉइंट बराबर ले जा रहा हूँ तो ये बंदा मेरे को हिट कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं मैं अपना पॉइंट कवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा। ओ भाई साहब बच गया, फाइनली इसने मुझे एक शॉट दे रखी है। ओह मैंने यहाँ पर फाइट की बट ये बच गया बंदा। कोई ना कोई ना बंदे तुझे no mercy! ओ भाई साहब ओपी बोलते इसको। फाइनली बराबर का मैच मैंने कर दिया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब इस बंदे को पता चलेगा कि हाँ किससे इसने पंगा लिया है। ओ भाई साहब देखने मेरा नेट ग्लिच हो गया, और ओ भाई साहब ओपी, नेट ग्लिच होने के बाद भी इस बंदे को मैंने इजीली दे दिया। अब देखते हैं ये बंदा क्या करता है। ब्लू टीम विक्ट्री। ये बंदा गेम छोड़ के भाग गया।